हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बनाएंगे सिर्फ पांच इंग्रेडिएंट्स से 15 मिनट के प्रेप टाइम में बनने वाली जबरदस्त डिलीशियस सी मैंगो मलाई आइसक्रीम, जिसके लिए कोई महंगे कंडेंस मिल्क या हैवी व्हिपिंग क्रीम की जरूरत नहीं है। इंटरनेट पर हजारों रेसिपीज होंगी, लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ, नथिंग कम्स इवन क्लोज टू दिस रेसिपी। सुपर टेस्टी अमेजिंग इंस्टेंट मैंगो मलाई आइसक्रीम बनती कैसे है, चलिए देख लें। बिना वीडियो को स्किप किए कंप्लीट वीडियो वॉच कर लीजिए। अगर आप लोगों को आज की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। Hey everyone, welcome back to the channel. तो चलिए बनाकर तैयार कर लेंगे एकदम डिलीशियस नेचुरल मैंगो आइसक्रीम। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर इस तरीके के बादामी आम का यूज किया है। मैं यहाँ पर 2 मैंगोज का यूज करूंगी, जिसको पील करके मैंने चॉप कर लिया है। आप देख सकते हो यहाँ पर छोटे छोटे से इस तरीके के चंक्स मैंने तैयार कर लिए। अगर आपके पास बादाम आम ना हो, अल्फांजो हो, या आपकी सिटी में जो भी आपको आम मीठा वाला मिलता हो उससे आप बनाकर तैयार कर सकते हो। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप फुल फैट मिल्क। सारे मेजरमेंट्स मैं आपको बताती जाऊंगी, कंप्लीट रेसिपी वॉच कर लीजिएगा। फुल फैट मिल्क है, कंप्लीटली चिल्ड वाला मिल्क है। तो इसको लेंगे, एक ग्राइंडिंग जार मैंने यहाँ पर लिया है, इसमें मैं ऐड कर दूंगी जो हमारा फुल्ली चिल्ड मिल्क है 1 कप उतना, इसको मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। इसी के साथ ऐड कर देंगे 1/2 कप उतनी चीनी, सेम कप से 1/2 कप उतनी चीनी मैंने यहाँ पर ली है। इसी के साथ इसकी रिचनेस और टेक्सचर को और थोड़ा सा बढ़िया बनाने के लिए सेम कप से 1 कप उतना मिल्क पाउडर मैं इसमें ऐड कर दूंगी। बस हमें सारी चीजों को अच्छे से यहाँ पर ब्लेंड करना है। इसी के साथ ऐड कर देंगे फ्रेश क्रीम, जो नेचुरली अमूल का फ्रेश क्रीम आता है। इस तरीके का फ्रेश क्रीम जो आता है आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हो। मैंने इसे अच्छे से 1 आवर के लिए फ्रीजर में चिल कर दिया था ताकि अच्छे से थोड़ा थिक हो जाए। तो इस चिल्ड क्रीम को मैं यहाँ पर जार में ऐड कर दूंगी, सारा 1 कप है। तो चलिए सारी चीजों को मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। यहाँ पर लिड को कवर कर देंगे और अच्छे से इसे 2 से 3 बार पल्स करके ग्राइंड कर लेंगे। बस आप देख सकते हो इस तरीके से मैंने जार को ऐड किया, बस हल्के से इस तरीके से अच्छे से पल्स कर लेंगे ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्सअप हो जाए। तो चलिए अच्छे से चर्न हो चुका है, आप चेक कर सकते हो एकदम बढ़िया क्रीमी सा हमारा मिल्की टेक्सचर यहाँ पर कम्प्लीटली तैयार है। मलाई जो है उसको मैं सेपरेट कर लूंगी एक बाउल में। इस तरीके से मैंगो मलाई बना रहे हैं तो थोड़ा सा बस मैं इसको रिमूव करके अलग से सेट कर लूंगी। आप देख सकते हो जो मलाई बेस मैंने यहाँ पर थोड़ा सा रिमूव कर लिया था, इसको आप चाहो तो क्लिंग रैप से रैप करके फ्रीज कर दीजिए 1 or 2 hours के लिए, बस हल्के से। मेरे पास क्लिंग रैप नहीं था, मैं इस तरीके से बटर पेपर से क्लोज कर लूंगी। बस इस चीज के लिए मैं इस तरीके से सील कर रही हूँ ताकि कोई भी एयर इंटैक्ट ना हो और आइस क्रिस्टल्स ना बने, बस इसलिए मैं इस तरीके से रैप कर रही हूँ। 2 hours के लिए इसे रेफ्रिजरेट कर लेंगे। इस तरीके से चॉप किए हुए 2 मैंगोज कम्प्लीटली राइप और स्वीट मैंगोज हैं। चलिए इसको भी अच्छे से हम कर लेंगे चर्न। मैंगोज को ऐड करने के बाद फिर से हम अच्छे से पल्स करके चर्न कर लेंगे। थोड़े से फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स देते हुए इसको चर्न कर लीजिएगा अच्छे से। तो चलिए अच्छे से चर्न हो चुका है, इसको स्टॉप करते हैं और करते हैं साइड। चेक कर लीजिए यहाँ पर बढ़िया सा हमारा क्रीमी स्मूथ टेक्सचर आइसक्रीम के लिए तैयार है। आप देख सकते हो एकदम स्मूथ और क्रीमी टेक्सचर का है। तो चलिए इसको भी किसी अच्छे से एयरटाइट जार में, आपके पास जिस तरीके का भी मोल्ड हो, जार हो, उसमें आप इस आइसक्रीम को सेट कर सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ पर इस तरीके के बाउल में, स्क्वायर साइज का टिन है मेरे पास ग्लास का, तो मैं इसमें इसको सेट कर दूंगी अच्छे से। बहुत ही इजिली ये सेट हो जाता है, बहुत ही यम बनकर तैयार होता है। आप खुद चेक करें, अगर आपके पास कोई भी मोल्ड ना हो तो सिंपल जो आइसक्रीम के बॉक्सेस आते हैं वो आपके पास रखे हो तो आप उसमें भी इसको पोर कर सकते हो। बहुत ही रिच और क्रीमी बनकर तैयार होती है। मेरे रिकमेंडेशन पर एक दफा इस तरीके से मैंगो आइसक्रीम को ट्राई जरूर कीजिएगा। तो चलिए आप देख सकते हो यहाँ पर हल्के से मैं बस इसको यहाँ पर 2 hours के लिए रेफ्रिजरेट कर लूंगी, जब तक ये सेमी सेट ना हो, फिर मैं आगे का प्रोसेस आप लोगों के साथ बताऊंगी। आप इसको अल्यूमिनियम फॉइल से कवर कर दीजिए ताकि आइस क्रिस्टल्स ना हो। मेरे पास यहाँ पर इस तरीके की लिड है तो हल्के से बस मैं इसको क्लोज कर दूंगी और 2 hours के लिए रेफ्रिजरेट कर लूंगी जब तक ये सेमी सेट ना हो जाए।
अच्छे से मैंने यहाँ पर इसको 2 hours के लिए रेफ्रिजरेट कर लिया था। ये सेमी सॉलिड स्टेट में है, आप देख सकते हो। यहाँ पर हल्के से छोटे से विस्क की हेल्प से अच्छे से विस्क कर लूँगी एक दफ़ा, ताकि अच्छे से स्मूथ टेक्सचर हो जाए इसका। तो अच्छे से मैंने यहाँ पर इसको दे दिया है बढ़िया सेट में उसको, वो भी बढ़िया तरीके से हल्के से सेमी सेट हो चुकी है। इस तरीके से हल्के से इसको स्क्रेप आउट करेंगे, देखिए बस हल्का सा, देख रहे हो यहाँ वहाँ, बस हल्के से कुछ इस तरीके से स्क्रेप करके मैं यहाँ पर इस तरीके से मिक्स कर दूंगी। आनी वनी जैसे ही बस हल्का सा मलाई वाला वो टेक्सचर आ जाए, बस इतना ही हमें मिक्स करना है इसमें। सकते हो आप यहाँ पर हल्का हल्का सा थोड़ा थोड़ा मैं मिक्सचर इस तरीके से एड ऑन कर रही हूँ। इस तरीके से एकदम नेचुरल मैंगो आइसक्रीम आपकी बनकर तैयार होगी। यहाँ पर मैंने कुछ मैंगो के चंक्स छोटे छोटे से कट किए थे, इसको भी मैं यहाँ पर इसमें ऐड कर दूंगी बस हल्के से इस तरीके से। बहुत ही रिच और डिलीशियस हमारी मैंगो आइसक्रीम बनकर तैयार होगी। बस यहाँ पर इधर उधर स्कैटर कर दीजिए। अगर आपको ये पसंद ना हो चंक्स, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो स्टेप को, बस सिर्फ मलाई को ऐड कीजिए और इसको तैयार कर लीजिए। तो आप देख सकते हो बढ़िया तरीके से मैंने हल्के से सारे चंक्स ऐड कर दिए हैं यहाँ पर, बस हल्का सा एक मिक्स दिया है। आप देख सकते हो बस हल्के से मलाई को बस ऊपर से इस तरीके से मैं मिक्स दे दूंगी यहाँ पर। बढ़िया सी हमारी रिच मैंगो आइसक्रीम बनकर तैयार हो जाएगी। फिर से हम इसे लिड को अच्छे से कवर कर लेंगे, ताकि कोई भी आइस क्रिस्टल्स ना जमे इसमें। अगर आपके पास इस तरीके की लिड ना हो, तो बेसिकली एल्युमिनियम फॉइल हो या क्लिंग रैप हो, उससे रैप कर दीजिए अच्छे से कवर करके। 8 to 6 hours के लिए रेफ्रिजरेट कर लीजिए, फिर हम मैं इसको स्कूप आउट करके आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर बढ़िया तरीके से हमारी आइसक्रीम अच्छे से सेट हो चुकी है। 6 to 8 hours हमने फ्रीजर में रख लिया था। इस तरीके का कोई आइसक्रीम स्कूपर ले लीजिए और इजीली इसको आप स्कूप कर सकते। चलिए इसको स्कूप आउट कर लेंगे और एक प्लेट में इस तरीके से रिमूव कर लेंगे स्कूप्स को बढ़िया तरीके से। चलिए ऐसे वन मोर मैं स्कूप कर लूँ, देख सकते हो आप इस तरीके से बढ़िया से स्कूप हो चुका है। यहाँ पर इसको भी मैं रिमूव कर लूँगी। चेक कीजिए कितना क्रीमी, एकदम मज़ेदार आइसक्रीम यहाँ पर हमारी स्कूप हो रही है। चलिए कुछ और स्कूप्स निकाल लूँ। बढ़िया क्रीमी रिच मैंगो आइसक्रीम हमारी यहाँ पर बनकर तैयार हो चुकी है। तो आप भी इस तरीके से ज़रूर से ट्राई कीजिए, बिना चूल्हे को जलाए झटपट इजी सिंपल बिना कंडेंस मिल्क के आप भी बनाकर इस तरीके से मैंगो आइसक्रीम को तैयार कर सकते हो। ये आप चेक तो करें इसका क्लोजअप लुक कितना बढ़िया आने वाला है। बस मैं आपको एक स्कूप करके बता दूं, इतनी मलाईदार हमारी मैंगो आइसक्रीम यहाँ पर बनकर तैयार हुई है। आप खुद चेक करें, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम और बहुत ही डिलीशियस है। जरूर से इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। इस रेसिपी को ट्राई जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कर लें। अगर आपको मेरी मेहनत और मेरी रेसिपीज पसंद आती है फ्रेंड्स, तो प्लीज प्लीज चैनल को लाइक कर दिया करें। अपने प्यारे प्यारे फीडबैक्स और कमेंट्स मेरे साथ जरूर से शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है। आपके पास में एक बेल वाला आइकन है, उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि लेटेस्ट रेसिपी सबसे पहले आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।